बच्चा शुरू कर रहा है, अभी ये जो सम कर रहा है वो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल से सीधा एडवांस लेवल जाने में बहुत नहीं होगा, एक ही सम होगा जिसका बेसिक लेवल है, टेक्स्ट बुक में भी बहुत कम सम है, इसलिए आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये सम में क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस ए एंड बी एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। क्या बोला है, प्रोसेस दो जगह से ट्रांसफर होगा, मतलब प्रोसेस दो प्रोसेस में से ट्रांसफर होगा और तीसरा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा बाद में। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए पास टू द प्रोसेस बी एंड दैट प्रोसेस बी इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। तो हमें बोला गया है कि हमें दो प्रोसेस का बात हो रही है। इसके बाद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एंडिंग 31st March 2013 1000 ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू ₹20 पर यूनिट वेर इश्यू टू प्रोसेस ए। तो इसमें क्या है बच्चा कि दिया हुआ है 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड एट 20, उसका वैल्यू हुआ है रॉ मटेरियल का कितना 20 पर इशू टू प्रोडक्शन ए। तो प्रोडक्शन ए में हमने कितना डाला, तो आप बोलोगे सर जो 1000 यूनिट है और आपने 20 के हिसाब से वो प्राइस के हिसाब से इशू किया हुआ है। आगे चलते हैं, अलग अदर इलेवेंट इंफॉर्मेशन आर एज अंडर, जिसमें दिया हुआ है सन्ड्री मटेरियल, सन्ड्री वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल वेस्टेज। यहाँ पे बोला हुआ है नॉर्मल वेस्टेज किसका, परसेंटेज ऑफ इनपुट का, सेल वैल्यू दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन ए एंड बी का दिया हुआ है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस। तो हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस एंड प्रोसेस अकाउंट बनाना है एंड गिव द ऑल्सो गिव द ऑन एबनॉर्मल वेस्टेज और इफेक्टिव गेन अकाउंट। तो मतलब आपको बोला गया है कि सर दो प्रोसेस अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल वेस्टेज बनाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ और उसका पर यूनिट का प्राइस हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखना है, तो एक में लिख देंगे पर यूनिट, पर यूनिट और यहाँ पे अमाउंट पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखेंगे आप बोलोगे सर ये जो लिखेंगे पर यूनिट एंड अमाउंट, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर पर यूनिट एंड अमाउंट। सेम वे आप बोलोगे सर यहां लिखोगे प्रोसेस टू, बच्चा मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आपको ध्यान में रखना है, आपको तो फुल फॉर्म में ही लिखना है पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पर यूनिट और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये पर यूनिट, ये अमाउंट। तो बच्चा इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अब स्टार्ट कैसे करना है, तो बच्चा सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई थी वो क्या थी, तो आप बोलोगे सर पहली इन्फॉर्मेशन यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये प्रोसेस का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये लिखेंगे, तो आप बोलोगे कितने यूनिट 1000 के पर यूनिट थे, तो आप बोलोगे 1000 के यूनिट से सर जिसकी प्राइस 20 थी, तो यहाँ पे हमने 20 लिखा और मल्टीप्लाई करके 20,000 लिख दिया। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है इसलिए हमने डेबिट साइड पर लिखा है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब बच्चा जो करना है वो मटेरियल वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दो तीन एक्सपेंस है, मटेरियल वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर तीन एक्सपेंस दिए हुए जिसकी प्राइस है 1100, इसमें 10,000 और 7,000। बच्चा ये ध्यान में रखना है यहाँ यूनिट नहीं होते, यूनिट पे जो भी ये काम हुआ मटेरियल का, वेजेस का एंड एक्सपेंस का, यही सब मटेरियल पे हुआ है। कितने यूनिट पर यूनिट 20 प्राइस है और जो मटेरियल है वो 1000 यूनिट का है, बस वो ध्यान में रखना है। इतना होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर अभी आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट मतलब क्या, ये प्रोसेस का फिनिश गुड्स, ये प्रोसेस वन में से ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस टू में, तो यहां हम लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू कितना 900। यहां तक हमें ये पता चल गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहां दिया हुआ है बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो जिसमें आप क्या बोलोगे नॉर्मल लॉस है वो आप बोलोगे 5% है, किसका है 5%, तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो सिंपली बच्चा यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है ये आप बोलोगे सर नॉर्मल लॉस है, तो आप बोलोगे सर 1000 हमने इंट्रोड्यूस किया था उसका 5% करोगे तो 50 यूनिट्स हो जाएंगे, कितना हो जाएगा
50 यूनिट्स, तो आप बोलोगे सर इतना हमें पता है। और इसके बाद उन्होंने बोला है जो ये जो वेस्टेज है नॉर्मल लॉस का वेस्टेज वो 2 रुपीज में आप सेल कर पाओगे, तो यहाँ पे हमें कर देते हैं या मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 के साथ? आप बोलोगे सर ये जो वेस्टेज है वो बिक जाएगा 2 रुपए के हिसाब से बिक जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 100 हो जाएगा। और इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी जैसे ये कंप्लीट होता है इसके बाद टोटल शुरू होता है। टोटल शुरू होता है तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे कितना है, तो मैंने बोला यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे यूनिट लिखा था, वो गलती से हमने अमाउंट लिख दी थी, तो यहाँ लिखा 1000, यहाँ पे लिखेंगे 1000, यहाँ दिख रहा है कितना 950, तो डिफरेंस जो आएगा वो 50 होगा, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या वेस्टेज अकाउंट, आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। अभी यहाँ खत्म होगा, इसके बाद आप बोलोगे सर ये खत्म हो जाता है तो हमें टोटल करना पड़ेगा, कितना आएगा टोटल? तो आप बोलोगे सर 38,100, 38,100 यहाँ पे भी लिखा जाएगा 38,100। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद वाला बच्चा पॉइंट जो ध्यान से समझना है हमें, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो बच्चा फॉर्मूला कैसे प्रोसेस का वैल्यू करेंगे, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू करके हम इसका यूज क्या करेंगे? तो बच्चा ये जो है एबनॉर्मल एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, ये ध्यान में रखना बच्चा। नेक्स्ट जो सम करेंगे इसका बेसिक पॉइंट ही ये होगा। जिसको ये नहीं पता होगा वो वैल्यूएशन क्या यूज करता है, ये जो नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ये जो आउटपुट है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो समझना है। तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ ये प्रोसेस वन का? तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंस है 38,100, उसमें से कोई स्क्रैप वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर 100 का स्क्रैप वैल्यू है। यूनिट इंट्रोड्यूस, तो आप बोलोगे 1000 इंट्रोड्यूस है। और आप बोलोगे सर इसमें से वेस्टेज जो है वो 50 का वेस्टेज था। जैसे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4040, मतलब आपको लिखना है तो 38,000 डिवाइड बाय 950, तो हो जाएगा 40। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपको दो वैल्यू करना है। कौन दो वैल्यू? लिख लो बच्चा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वैल्यू कर सकते हो, एबनॉर्मल गेन वैल्यू कर सकते हो, और तीसरा जो है वो प्रोसेस टू का ट्रांसफर जिसको बोलते हैं वो वैल्यू कर सकते हो, बस वही ध्यान में रखना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, जो होगा कितना बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये 2000 होगा और ये जो होगा 36,000 होगा। अभी इसमें आप टोटल करोगे तो ये 38 और इसमें 100, 3800 हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है आप बोलोगे सर ये क्लियर। अभी इसके बाद एक नया प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोसेस के अकाउंट के नीचे एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो। हमने लॉस लिखा है तो इसमें हम लॉस लिख रहे हैं, आपको वेस्टेज लिखना है तो वेस्टेज लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये 50 है तो ये 50 यहाँ लिख देंगे और यहाँ होगा 2000। ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये जो वेस्टेज है वो कितने में बिक रहा है? तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, तो आप बोलोगे सर 50 की उसकी प्राइस है, कितनी की प्राइस है 50 की, और 2 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चा? तो आप बोलोगे सर 100 के हिसाब से हम लिख देंगे, बाकी का डिफरेंस जो आएगा 2000 माइनस 100 तो ये 1900 हो जाएगा। और ये जो हम करेंगे टोटल ये टैली हो जाएगा 50 2000, ये 50 और ये हो जाएगा 2000। इसके साथ बच्चा ये प्रोसेस हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो शुरू करना है वो प्रोसेस टू अकाउंट हम शुरू करेंगे। तो बच्चा अभी हमारा प्रोसेस ए खत्म हुआ, अभी हम शुरू करेंगे प्रोसेस बी, जहां पे लिखेंगे सबसे पहले कहां से होगा ट्रांसफर, तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस थ्री, कितना लिखेंगे 936,000, ये पहला हम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये होने के बाद आपका दूसरा पॉइंट होगा सम में जो डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस टू में ऐड किया गया है वो लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 2650, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस वो कितना है 11,000, इसके बाद क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो वो कितना है 7,500, उसके बाद बच्चा क्या है आउटपुट दिया हुआ है तो आप लिखोगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, क्योंकि सब में बोला गया था
कि ये जो होगा गुड्स यहाँ से प्रोसेस होके ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश स्टॉक में, वो कितना है 830, कितना होगा बच्चा 830। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा जाएगा, नॉर्मल लॉस कितना है तो आप बोलोगे सर वो हमें दिया हुआ है 10%, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है 900 का 10%, तो वो होगा कितना 90 होगा, कितना होगा बच्चा 90 होगा। और इसमें हम लिखेंगे, आप लिखोगे 90 और 5 रुपीज में वो बिक रहा है तो 450 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सारे पॉइंट कवर हो गए, इसमें अभी कोई भी लिखना बाकी नहीं है। तो बच्चा अभी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले टोटल करना। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखोगे तो होगा 920, यहाँ पे हो रहा है 920, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। आप बोलोगे सर वो कितना होगा? ये होगा 20। अभी बच्चा शुरू करते हैं, दो चीज ऑलवेज मैंने बोला है कि हर एक समय दो चीज होगी, एक है ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू डिसाइड करना है, एक नॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल गेन हो सकता है या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हमें करनी होगी। तो आप बोलोगे सर प्रोसेस टू का स्टार्ट करते हैं सफर, तो आप बोलोगे सर ये सबका टोटल, ये सबका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 57,150। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 चार आइटम का टोटल होगा, यहां से होगा माइनस जो गुड्स सेल कर रहे हैं नॉर्मल में वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 900 माइनस 90, तो ये जो करेंगे तो बच्चा कितना होगा, तो हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ जैसे 70 होता है, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है 20 × 70, तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 14 और 2 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 58,100। ये 14 से मल्टीप्लाई हुआ, 14 नहीं 70 से मल्टीप्लाई हुआ, 830 वो करेंगे, 830 × 70 करेंगे तो आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये टोटल करने के बाद होगा 58,000, कितना है 550, 58,550, यहाँ पे भी लिखेंगे 58,550। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पे, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस थ्री अकाउंट, कितना, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, यूनिट की जो बात करेंगे 20 और 1400। शॉर्टफॉल जो है वो आप बोलोगे सर इस बार वो कितने में बिक रहा था, तो आप बोलोगे सर सम में जो दिया था वो कितने के हिसाब से था, 5 रुपीज में बिक रहा था, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 20 और 500 हो जाएगा, डिफरेंस जो आएगा वो 1300 आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ 20 यहाँ 1400, यहाँ 20 और 1400, सॉल्व करोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे ही आंसर आता है आप बोलोगे सब में बस यही कैलकुलेशन ध्यान में रखना था, अच्छी तरह पहले देख लो, क्लियर कर लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पॉइंट को, आपको प्रॉपर लिख देना है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चा।